ऊपर ज्यादा गुफ्तगु क्यों होती है, ये मौजूई सुखन ज्यादा क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और भी सहाबा इकराम की शहादतें हैं, सहाबियात की शहादतें हैं, बड़ी अजीम व शान शहादतें हैं। सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला ने जिनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल शुहदा कहा है, बड़ी मज़लूमाना शहादत है। शहादतें और भी बड़ी हैं, लेकिन आशूरा मुहर्रम की ये जो शहादत है खानवादाए रसूल सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने की शहादत के ऊपर गुफ्तगू क्यों होती है, यह बड़ा अहम सवाल है। इसके लिए पहले दो बातों को समझना पड़ेगा। एक बात यह है कि अल्लाह जल्ले शानहु ने अपने लाडले हबीब सैयदुल मुरसलीन खातमुल मुरसलीन शफीउल मुस्लिमीन मासूम आमना को पूरी इंसानियत का सरदार बना करके भेजा, सारे अंबिया का सरदार बना करके भेजा, पहले इंसान और आखिरी इंसान तक सबकी सियादत क्यादत सरबराही और सरबरी का ताज पहना करके भेजा अपने महबूब को, जहां के सारे कमालात देकर के भेजे, सारे मोजज़ात देकर के भेजे, सब अंबिया से अफजल बनाया, जहां के सारे कमालात तुझ में हैं, तेरे कमालात किसी में नहीं मगर दो चार, सारे कमालात देकर के भेजा। और अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान किया, लोगों तुमने इताअत करनी है तो हम तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा मॉडल रख रहे हैं। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना, परफेक्ट मॉडल जो तुम्हारे सामने है वो मेरा महबूब है, वो मेरा महबूब है मोहब्बत से कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारा आना तुम्हारा जाना तुम्हारे शादी बजा तुम्हारे रसूम रवाज तुम्हारा जागना तुम्हारा सोना तुम्हारा कारोबार तुम्हारा बिजनेस तुम्हारी मुआशरत तुम्हारी मईशत से लेकर सियासत तक हर एक पहलुए जिंदगी में हमारा महबूब तुम्हारे लिए रोल मॉडल है। उस वक्त हसन हर नेकी की इब्तदा अल्लाह के महबूब से है, जो उसकी इताअत में नेक अमल करेगा तो अल्लाह उसको कबूल करेगा, जो उसकी इताअत में होगा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी, अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो मेरी यानी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करो। फिर अल्लाह ने इस मजमा इताअत को थोड़ा सा खोला, जरा आज थोड़े से अल्फाज मुश्किल होंगे, थोड़ा आयात के ऊपर मैंने तवज्जो देनी है, खुदा रहा तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा क्योंकि आगे वाली जो गुफ्तगू है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद अगर आप शुरू से अगर मेरी तमीज अच्छी गुजर गई, कच्चा पक्का सबक है, कोशिश करूंगा, आपकी तवज्जो चाहिए इंशाल्लाह। अल्लाह ने मंबाए इताअत को थोड़ा सा खोला, सूरतुन निसा आई, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सूरह निसा के अंदर उलाइकल लजीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीजीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। लोगों अगर हिदायत चाहते हो, अगर सच्ची इताअत चाहते हो, दुनिया और उकबा की कामयाबी चाहते हो तो हम तुम्हारे सामने चार तरह की कैटेगरीज रख रहे हैं कि तुमने उनको फॉलो करना है। चार तरह की अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीजीन, नबियों की कैटेगरी सबसे ऊपर मकामे नबूवत, नबीजीन वस्सिद्दीकीन, दूसरे नंबर पर कौन आ गई कारी साहब सिद्दीकीन, वश्शुहदा वस्सालिहीन, तीसरे नंबर पर कौन आ गए शुहदा, चौथे नंबर पर कौन आ गए सालिहीन। अब नबूवत का दरवाजा तो बंद है, आपका मेरा अकीदा है कि नहीं है, नबूवत का दरवाजा बंद है। कैटेगरीज कितनी बच गई, तीन, कौन कौन सी, सिद्दीकियत शहादत और सालिहियत। ये तीनों कैटेगरीज ये तीनों दर्जे दरअसल नबूवत के चश्मे से निकले हुए हैं। सिद्दीक को सदाकत कहां से मिली है, दरबारे रिसालत से, किसी को शहादत का मर्तबा मिला है तो दरबारे सुलह सफाई अमन सालहियत नेकी हसना का, किसी को कोई दर्जा और मकाम मिला है तो कहां से मिला है, दरबारे मुस्तफा से। अब मैं चीजों को आसान कर रहा हूं, हर एक नेकी की इब्तदा हुजूर के सर चश्मे से है, हुजूर की इताअत से है। कोई शख्स को नेकी करेगा हुजूर की इताअत नहीं होगी, नेकी अपनी जात में नेकी हो सकती है लेकिन अल्लाह के यहां वो बाईस अजर कुफारों मुशरिकीन यहूदों ने सारा नेकियां करते हैं कि नहीं करते, इंसानों के साथ भलाई करते हैं कि नहीं करते, आखिरत में उनके लिए कोई अजर है, कोई जखीरा है, कहीं कोई सवाब का वादा है, नहीं है ना।
हुजूर की इताअत में नेकी होगी तो अल्लाह क्या वो काउंट होगी। अल्लाह ने अपने महबूब को सारे दर्जात दिए, सारी बुलंदियां दी, सारी रिफतें दी, सारी सिफात दी, सारी खसूसियात दी। किसी इंसान के लिए जो भी बुलंद तरीन दर्जा, जो भी आला तरीन खासियत जो हो सकती थी अल्लाह ने अपने महबूब को दी दी दी। अल्लाह के महबूब से सिद्क व सफा सादिकीन को मिल गई, और सिद्दीकीन के सरदार कौन? जनाब सैयद अबू बकर सिद्दीक। सदाकत भी तकसीम हो गई, इताअत भी तकसीम हो गई, सुलह अमन नेकी भी तकसीम हो गई, शहादत भी तकसीम हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह युअती व अनल कासिम, तवज्जो मेरी तरफ, अल्लाह देता है और मैं बांटता हूं, अल्लाह देता है और मैं। अल्लाह ने अपने खजाने दिए महबूब को नेकियों के, हसनात के, सारी दुनिया की कीमती चीजें, आखिरत की कीमती चीजें अल्लाह ने अपने महबूब को दी। और उसके बाद फिर अल्लाह के महबूब क्या फरमाते हैं, वानल कासिम, मैं क्या करता हूं, जिसका जितना जर्फ होता है वो उतना ले लेता है। कोई सिद्दीकीन का इमाम बनता है, कोई आदिलीन का इमाम बनता है, कोई सखियों का इमाम बनता है, कोई शुजाइन का इमाम बनता है, जिसका जितना जर्फ होता है उसको अल्लाह उतना नसीब फरमा देते हैं। सवाल यह है कि सारी नेकियों की इब्तदा और आगाज हुजूर की जात से, हुजूर तकसीम कर रहे, क्या हुजूर के दामन के अंदर मकाम शहादत है? मकाम शहादत है? अब आप फंस गए, हां करेंगे तो भी आपके ऊपर फतवा लगेगा, ना करेंगे तो भी, ऐसा है कि नहीं है? मुस्कुरा कर कहे थे सुभान अल्लाह ही कहते चले, ऐसे ही है। अब इसके साथ एक और आयत मिलाते हैं तो आसान हो जाएगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में वादा किया हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का अंदाज मुबारक ये था कि जब भी किसी गजबा में तशरीफ ले जाते, किसी जगह पे ठहरते, मकाम होता, सफर में जाते तो अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड्स रखते थे। कुछ सहाबा होते थे अपने लिए सादत समझते थे, किसी की आज बारी है वो आज बारी पे खड़ा है, किसी की कल है, किसी की सुबह है, किसी की दोपहर है, किसी की शाम, सब अपनी सादत समझते थे, हुज़ूर हिफाजत के ऊपर खड़े होते थे। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया सूरह माईदा में वल्लाहु यासिमुकुम मिनन नास, महबूब हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हम आपको लोगों से महफूज रखेंगे, दुनिया की कोई ताकत कोई लड़ाका उसका हाथ महबूब आप तक हम पहुंच रहे नहीं रहे, वादा हो गए। अल्लाह के महबूब ने अपने साहबा को कह दिया जितने गार्ड से भी तुम्हारी सादत तुम्हारे लिए लिख दी गई, तुम्हारी खिदमत अल्लाह के यहां कबूल है, तुम्हारा जज्बा अल्लाह के यहां मुबारक है, लेकिन आज के बाद जाहिरी तौर पर मुझे अपने लिए हिफाजत का बंदोबस्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने वादा कर दी वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। दूसरी तरफ देखें अल्लाह के नबी मदीना की सरजमीन पे है और दुआ कर रहे हैं लवदितु अन उकातिला फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहिया सुम्मा उफ्तर सुम्मा उहिया सुम्मा, इसकी तवज्जो नहीं होगी ना, वो बस मेरी तरफ देखते ही रहेगा खाली, जिसकी तवज्जो होगी वो मुस्कुराएगा भी बीच में, कितनी अहम बात आ रही है। लवदितु अन उकातिला, अल्लाह के नबी ये दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाह मैं ये चाहता हूं कि मैं तेरे रास्ते में कत्ल कर दिया जाऊं, शहीद हो जाऊं, सुम्मा उहिया फिर जिंदा कर दिया जाऊं, सुम्मा उफ्तर फिर शहीद हो जाऊं, सुम्मा उहिया सुम्मा उफ्तर, कितनी दफा? तीन दफा ये दुआ की है। किसकी? शहादत की। एक बात तो इससे मालूम होती है कि शहादत की तमन्ना जब अल्लाह के महबूब ने की है, इससे मालूम ये होता है कि शहादत का मकाम कितना बड़ा है, बहुत बुलंद है, जिसकी तमन्ना अल्लाह के नबी कर रहे हैं, तमन्ना हो रही है। फिर सवाल जो थोड़ी देर पहले था, क्या यह तमन्ना पूरी हुई, किस अंदाज में हुई? इसका जवाब है किस अंदाज में हुई, तमन्ना पूरी हुई है, सिफात सारी की सारी हुजूर के दामन में आई है, सारे मकाम सारे मर्तबे सारी रिफतें सारी बुलंदियां अल्लाह ने अपने महबूब को दी है, लेकिन अंदाज जुदा जुदा था। अंदाज क्या था? अलग था। एक तरफ यह है कि महबूब किसी का हाथ हम आप तक पहुंचने नहीं देंगे, दूसरी तरफ अल्लाह के महबूब किसकी तमन्ना कर रहे हैं? शहादत की तमन्ना। शहादत तो तब होगी जब कोई काफिर, मुसलमान नहीं काफिर, हमला करें,
अपने हथियार के इस्तेमाल कर इब्न हजर अस्कलानी ने शहीद की ये तारीफ की है। काफिर हमलावर हो अपने हथियार से हमला करे, जिस्म को जख्मी करे, उससे खून भी बहे, वो अपनी सवारी से भी नीचे गिरे, जमीन पर आए, उसके बाद चाहे फौरन उसकी जान कब्ज हो जाए या कुछ दिन बाद भी हो, उसी जख्म के सबब से वो शहीद होते हैं। अल्लाह के नबी निकले मैदान ओहद में, यहां पे एक जुमला मेरा अपने पास नोट कर लीजिए, जो शहादत हुसैन है, जनाब हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत है, ये हुजूर की सीरत के बाब मुकम्मल हो रहा है। हुजूर की सीरत के जिसके अंदर सारी सिफात है, उसके बाप की तकमील शहादत पर हो रही है जनाब हुसैन की शहादत के साथ। अल्लाह के नबी निकले मैदान ओहद में। मैदान ओहद में क्या होता है, उलमा से वाकयात सुनते रहते हैं, कुफार हमला करते हैं हुजूर पर, हमला होता है कि नहीं होता, हमला होता है, पत्थर का हमला भी होता है, नेजे का हमला भी होता है। अल्लाह का वादा यह था कि इनका ऐसा हमला हम आप पे नहीं होने देंगे जिससे आप क्या हो जाएं, शहीद हो जाएं। हमला हुआ, दंदान मुबारक जख्मी और शहीद हुए, कड़ियां रुखसात मुबारक के अंदर घुसी, पेशानी मुबारक से खून के कतरे टपके, ये सारा कुछ हुआ। हुजूर अपनी सवारी से नीचे आए, खैमे में तशरीफ लेकर के गए, खशी का दौरा भी पड़ा, दुश्मन ने शहादत की अफवाह भी उड़ाई, अल्लाह ने अफवाह भी उड़वा दी, लेकिन अभी अपने महबूब की रूह को अपने पास कब्ज नहीं किया। और उसके बाद अल्लाह के नबी क्या दुआ फरमा रहे, लवदितु अन उकातिला फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तल, अल्लाह मेरी दुआ यह है कि मैं तेरे रास्ते में शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। अल्लाह की वो आयत वल्लाहु यासिरुकुम मिनन्नास अपनी जगह पे, लवदितु अन उकातिला अपनी जगह पे, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह अपनी जगह पे, उलाइक अल्लज़ीना अन'अमल्लाहु अलैहिम मिन्नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, वो सारी अपनी जगह पे हैं। और अल्लाह ने वो शहादत का जो मकाम अपने महबूब के दामन के अंदर उतारा है, वो जनाबे हुसैन की शहादत के जरिए से उतारा है। जो फरमाया ना, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, मेरी मुझसे कोई भी नेकी मिलती है हुसैन को, मेरी कोई अच्छी आदत आती है तो हुसैन में, मेरा हुसन आता है तो हुसैन में। सहाबे इकराम फरमाते हैं कि हुजूर के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जब भी किसी का दिल करता था तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा के दर दौलत पे आया करते थे, एक तरफ जनाब हसन आते थे, एक तरफ जनाब हुसैन आते थे, हुजूर के दीदार की लज्जत मिल जाया करती थी। सबसे ज्यादा जो मुशाबे थे सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन, दोनों हुजूर अलैहिस्सलाम पे तो जाहिर जो सही अनवर है बिल्कुल उसकी मुशाबे थे। जनाब हुसैन रजी अल्लाह तआला का बचपन, उनकी जवानी और उनका मकामे करबला, मैदाने करबला में पहुंचना, ये तीन हिस्से हैं बड़े अहम। हमारा अलमिया ये हमारे खुतबा का और खासतौर पर एक मखसूस तबका क्या करते हैं, वो जनाब इमाम हुसैन का बचपन बयान करते हैं, जवानी लड़कपन ये बयान नहीं करता, वहां से सीधा आपको उठा के लेके जाएगा मैदाने करबला में शहादत, दरमियान में क्या क्या हुआ उस पर वो नहीं आएंगे। जनाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बचपन भी निराला है, नूर और रोशनी से भरा हुआ है, जवानी भी और इसी तरह से उनकी आखिरी उम्र भी शहादत तक उनकी पूरी की पूरी हयात तजीबा मुसलमान उम्मत के हर एक फर्द के लिए मशाल रहा। सन 3 हिजरी में सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में जनाब इमाम हसन पैदा हुए रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हुज़ूर पाक के साथ मुस्तान तशरीफ लाए, अपनी गोद में उठाया, दस्ते नबुव्वत के अंदर पकड़ा और फिर उसके बाद अपनी जुबान चुसाई, खजूर की वाजवात में आता है कि घुटी भी दी, और फिर उसके बाद 7वां दिन आया तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने जनाब अली से पूछा कि इसका नाम क्या सोचा है। हमारे यहाँ क्या होता है, बड़े बूढ़े ना वालिदैन से मशवरा नहीं करते, बस जो जेहन में आया नाम रख दिया, उस पर डट गए। माँ बाप याद रखें वो ज़ाहिरी वसीला है दुनिया में बच्चे के आने का, उनकी राय को माना करें, नाना हो, दादा हो, नानी हो, दादी हो, अपनी राय को इस तरह से ना दबाया करो, उनके ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत ना किया, ये पूछना चाहिए वालिदैन से, हो सकता है उन्होंने भी कोई नाम सोच के रखा हो अपने बच्चे के लिए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने जनाब अली से पूछा, अली नाम क्या रखना है इसका, तो अर्ज की या रसूलल्लाह इसका नाम हरब,
क्या नाम? हरब कहते हैं जंग को, क्योंकि बहादुर थे, जंगजू थे, मुजाहिद थे, तो उन्होंने नाम भी इनकलाबी सोचा हुआ था, इसका नाम मैंने क्या रखना है? हरब। हुज़ूर ने फरमाया नहीं, ये मेरा बेटा हरब नहीं है, ये हसन है। इसका नाम क्या है? हसन है। ये सोना है राज के, ये नेकों का सरदार है, इसका नाम हरब नहीं, इसका नाम क्या है? हसन। 10 महीने के बाद जनाब सैयद अली अल मुर्तजा सैयद फातिमा ज़हरा के यहाँ एक और बेटे की विलादत हुई। हुज़ूर पाक तशरीफ लाए, मामूल के मुताबिक दस्ते नबूवत में उठाया, अपने सीने के करीब किया, अपने चेहरा अनवर के करीब किया, अपनी जुबान चुसाई, और फिर उसके बाद दाएं कान में अजान, बाएं कान में इकामत पड़ी। 7वां दिन आया, हुज़ूर पाक सल्लम ने अकीका फरमाया जिस तरह जनाब हसन का किया था। नाम के लिए फिर पूछा अली से, अली नाम क्या रखने? जनाब अली उधर ही उसी जगह पे, हरब या रसूलल्लाह। हुज़ूर पाक सल्लम ने फरमाया नहीं नहीं, हरब नहीं, उस बेटे का नाम हसन था, इसका नाम हुसैन हो, इसका नाम क्या होगा? हुसैन होगा। बाद रवायत में आता है कि हुजूर ने फरमाया कि हारून अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने अपने बेटे का नाम शब्बीर और शब्बर रखा था। सुरियानी ज़ुबान में जो हसन और हुसैन का माना है वही शब्बीर और शब्बर का माना है। इसीलिए आप उलमा से खुतबा से सुनते होंगे कि बेटे, एक बेटे का नाम शब्बर और एक का नाम शब्बीर, वो हसन और हुसैन ही का तर्जमा है। नाम रख दिया गया हसन और नाम रख दिया गया हुसैन। इनकी कुनियत है अबू अब्दुल्ला और इनका लकब है सिबत रसूल, रिहाने रसूल। ये लकब इनका क्यों रखा गया? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुमा रिहानताया इस दुनिया, हसन और हुसैन ये दोनों मेरे बेटे इस दुनिया के अंदर मेरे फूल हैं, मेरे दुनिया के क्या हैं? फूल हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब भी जनाब इमाम हुसैन आते हैं बचपन में, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी लोग अपने बच्चों को चूमते हैं, हुजूर चूमा भी करते थे, सर एकदस को सूंघा भी करते थे। किसी ने उसकी रसूलल्लाह ये सूंघना क्या है? फरमाया कि मुझे इस बच्चों से जन्नत की खुशबू आती, जन्नत की खुशबू आती मुझे इन बच्चों से। और फरमाया कि हुसैन उमिन्नी वाना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैन, अल्लाह उससे मोहब्बत करेंगे जो हुसैन से मोहब्बत करेगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कोसर, उसी को मैशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे के जिसके दिल में हुसैन होगा। फरमाया मन अहब्बा हुसैन, जो हुसैन से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, जिसका हुसैन से बुग्ज है मेरा भी उससे नफरत है, वो मेरा भी नहीं बन सकता। और फरमाया हसन वल हुसैन सज्जिदा शबाबी अहले जन्ना, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार है, जन्नत के जवानों के। 6 या 7 वर्ष की उम्र में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया, इमाम हुसैन की उम्र 2 साल उन्होंने गुजारे सैयद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने के खिलाफ, 10 साल गुजारे हैं सैयद उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में। खिलाफत के अंदर नमाज किसके पीछे पड़ी जाती है? इमाम कौन होता है? वक्त का हाकिम, वक्त का खलीफा, वक्त का हुक्मरान, मुसल्ले का पहला वारिस भी वही होता है। मेरी बात लंबी हो जाएगी अगर मैं दोबारा इमामत सुग़रा और इमामत कुबरा की तरफ गया। 2 साल जनाब सैयद अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाजें, 10 साल जनाब सैयद उमर फारूक के पीछे, 12 साल सैयद उस्मान गनी के पीछे, 4 या 5 साल अपने वालिद मोहतरम सैयद अली अल मुर्तजा शेर खुदा के पीछे। कितने साल? सिविल वार का मतलब है मुसलमानों का बाहमी इख्तिलाफ, होता रहता है इख्तिलाफ। जनाब हसन बड़े बेटे थे जनाब सैयद अली अल मुर्तजा के रजी अल्लाह तआला, उनके बड़े साहबजादे थे। कुछ लोगों की राय ये थी कि जनाब इमाम हसन मुसलमानों पर हुक्मरानी, हकूमत और खिदमत के ज्यादा मुस्तहिक हैं। जब लड़ाई ज्यादा हो गई, इख्तलाफ ज्यादा बढ़ गया, तो जनाब इमाम हसन रजी अल्लाह तआला ने सैयद अमीर मुआविया के हक में सुलह कर ली। क्या कर ली? सुलह कर ली। जो मर्जी किताबें उठा के देखो तुम्हें सुलह जरूर मिलेगी। क्या मिलेगी? सुलह मिलेगी। फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नत, एक बात कर रहा हूं, जन्नत के जवानों के क्या हैं? सरदार हैं। जो आवाम होती है वो अपने सरदारों की बात मानती है कि नहीं मानती? ताबे होती है। हसन और हुसैन हमारे सरदार हैं कि नहीं है? हमें उनके पीछे चलना है कि नहीं चलना? जन्नत में जाना है कि नहीं जाना?
सरदारों की मान के चलेंगे ना, हमारे सरदार किसी से सुलह करें तो हमारी सुलह है, किसी से जंग करें तो हमारी जंग है। हसन ने अमीर मुआविया से सुलह किया तो हमारी भी, हुसैन ने यजीद से जंग किया तो हमारी भी। इसलिए किसी सहाबी रसूल की गुस्ताखी करने की ना तो इजाजत है ना इसकी जुर्रत करनी चाहिए। सही ना, मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी है, इज्तिहादी खता अलग है, हर सहाबी मुज्तहिद के दर्जे पर फाइज होता है। अकीदे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सोहबत का शर्फ उसको इज्तिहाद के दर्जे पर पहुंचा देते हैं। जब भी मुज्तहिद कोई मसला निकाले, मुज्तहिद अगर उसका नतीजा गलत भी निकले तो भी मुज्तहिद को एक नेकी मिलती है, सही निकाले तो उसको दो नेकियां मिलती हैं। गैर मुज्तहिद सही मसला निकाले तब भी उसको गुनाह मिलते हैं कि तेरा ये मकाम नहीं था, तूने कोशिश की क्यों, तू डॉक्टर था ही नहीं, तुझे किसने कहा तू दवाइयां देना शुरू कर। तो इज्तिहादी खता अपनी जगह पे है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि किसी सहाबी रसूल की गुस्ताखी करनी शुरू कर दी जाए। जब जनाब इमाम हसन ने सुलह कर ली तो उनसे ज्यादा गुस्से में, तेरा गुस्सा इमाम हसन से बढ़ गए, उसने सुलह कर ली तो उससे आगे जा रहा है, किस तरह की इताअत है तेरी, तू मानते है कि नहीं मानता। एक तरफ कहता मैं मानता हूं, फिर उनकी बात भी नहीं मानता। किसी चीज को मानना और की मानना ये दोनों जरूरी है। अल्लाह को भी मानना है, अल्लाह रसूल को भी मानना है, रसूल इमाम को भी मानना है, इमाम की भी माननी है। को की बारी आती तो कहता है ठीक है मैं उनको इमाम मानता हूं, की बारी आती तो भाग जाता है कि मैं नहीं मानता। भाई सुलह कर लिया तो भी मान जा, सुलह हो गई है। सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने मकाम और मर्तबा देखे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तय्यबा में, जाहिरी हयात तय्यबा में उनकी शहादत की खुशखबरी दे दी थी, शहादत के बारे में बता दिया था। सैयदना उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम आए और एक शीशी के अंदर मट्टी लेकर के आए उनके पास। उनको कहा उम्मे सलमा इसको अपने पास रख लो, ये शीशी के अंदर जो मट्टी है, जिस दिन ये मट्टी खून में तब्दील हो जाए समझना कि मेरा हुसैन मैदान करबला में शहीद हो गए। शहादत की खबर आ गई, पेशन गोई आ गई, अल्लाह सच्चा, अल्लाह का महबूब सच्चा, जो जुबाने अथर से निकली वो बात सच्ची। एक रवायत भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी, कभी जनाबे सैयदना अली अल मुर्तजा, कभी सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा, कभी हसन व हुसैन, कभी आए हो हुजूर के पास कि हुजूर आपने ये खबर दी है कि मेरे बेटे ने कत्ल होना है, शहीद होना है, आप दुआ कर दें कि वो वाकया टल जाए। कभी ऐसा हो सकता ही नहीं है, क्योंकि वो दुनिया को यह बताने के लिए आए थे कि लोगों जब भी हक और बातिल का टकराव आए हक के साथ खड़ा हो जाना, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक। वो ये दुनिया को ये मैसेज देना चाहते थे, आज हमारे यहां क्या है। हुसैन का नाम लेने वाले बड़े, खाली हुसैन का नाम लेने से हुसैनी नहीं, तेरी सीरत बताए कि तू हुसैनी है, तेरा किरदार बताए कि तू हुसैनी है, तेरी जुबान का जुमला बताए कि तू हुसैनी है, तेरा जागना उठना बोलना बताए कि तू हुसैनी है, तेरा खर्च करना बताए कि तू हुसैनी है, तेरा हुकूमत करना बताए कि तू हुसैनी है, हुक्मरानों का साथ देना बताए कि तू हुसैनी है। हमारे यहां क्या होते हैं, हमारे यहां तो लोगों के जमीर बिकते हैं पैसे की खातिर। जो वोटर जो जीतने वाला हो नुमाइंदा होता है वो तो रात जीत जेब में डाल के सोते हैं, वो तुम्हारे जमीर खरीदते हैं, बिक जाते हो, नाम हुसैन का लेते हो, शर्म नहीं आती। वोट क्या है, वोट क्या है, ये बैत का मुतबादिल है। लोग आते थे ना इमाम और खलीफा के हाथ में हाथ देकर के बैत करते थे कि हम अल्लाह उसके रसूल के अहकाम में आपकी क्या करेंगे, इताअत करेंगे आपकी। वोट क्या है, आप किसी के हक में राय दे रहे हैं कि ये शख्स अल्लाह उसके रसूल का मुती है, फरमा बरदार है, ये हमारे लिए बेहतर है। और हम क्या कहते हैं, सर तुम साढ़े बूहे से आ रहे हो, परेशान ना हो थोड़ा ही, सर असी यारा दे यार, ये बड़े जहर आलूद जुमले हैं, बड़े जहर आलूद जुमले हैं ये सारे के सारे, सर असी यारा दे यार। बरादरी की बुनियाद पर वोट देना, जाती दोस्त ताल्लुक की बुनियाद पर वोट देना, महज माली मनफियत और चंद टकों की खातिर वोट देना, क्यामत के रोज इसकी पूछ होगी, इसकी पूछ होगी
वो जालिम शराबी जाहिल चोर डाकू शख्स जितने भी जुल्म करेगा, इंसानों का हक दबाएगा, हर एक उसको वोट देने वाला उस जुर्म के अंदर शरीक हो, क्यामत के दिन उसे पूछा जाएगा। बात वो करता हूं समझता हूं जिसे हक ने अबलाए मस्जिद न तहजीब का फरजान, सही बात आपको बताना ये मेरी जिम्मेदारी है। हम तो ये करते हैं नाम हुसैन का लेते हैं, हुसैन ने क्या किया था, उसने यही तो बताया था तुम्हें, यही तो उसने करके दिखाया था। यजीद की हुकूमत इस्टैब्लिश थी, उसकी आर्मी थी, फौज थी, खजाना चल रहा था, सियासत चल रही थी। आज के तुम्हारे कानून में तो हुसैन बागी होता कि इस्टैब्लिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो गया, उसने कहा नहीं मैं बैत करता। यजीद ने मदीना के गवर्नर को कहा कि तीन बंदों से बैत लो, सबसे पहले अब्दुल्ला बिन अब्बास को बुलाओ, अब्दुल्ला बिन जुबैर को बुलाओ, हुसैन बिन अली को बुलाओ, ये तीनों बैत करें मेरी, फिर मुझे रिपोर्ट करो, नहीं करते तो कत्ल कर दो। हुसैन बिन अली को उसने खलबत में बुलाया ईशा के बाद, वलीद जो कि गवर्नर था मदीना का, मगर हुसैन से कहने लगा यजीद का पैगाम है, आप उसके हक में मेरे हाथ में हाथ दें। हुसैन बिन अली ने तारीखी जुमला था, कहा कि हम सरदार हैं, मैं कोई आम शख्स नहीं हूं जो छुप करके तुम्हें राय दे दूं, मजमा यहां बुलाओ, लोगों को इकट्ठा करो, जुमे के खुतबे के अंदर सब लोग यजीद के हक में राय दें तो मैं भी लूंगा, वरना इस तरह से तुम मेरी बुनियाद पर अपनी सियासत खेलना चाहते हो, तुम बाहर निकल के कहोगे हुसैन ने बैत कर ली है, मेरे जैसा बंदा छुप करके हाथ नहीं दिया करता। सरदार न दाद दस्तर दस से यजीद, सरदार न दाद दस्तर दस से यजीद, लोगों के सर पे वार होना, लोग आगे हाथ करते हैं, लोग हाथ देते हैं सर को बचाने के लिए। हुसैन ने क्या किया, सर दिया है हाथ को बचाने के लिए, यजीद के हाथ में हाथ है। हुसैन एक दिल नशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन दिल है हुसैन जहां है, हुसैन कुरान की जुबां है, उठा रहा है जो लाशे अकबर, हुसैन बूढ़ा नहीं जवां है, जहां गुलाबों से भर गया है हुसैन शायद लहू लहू है, सहाबा की अंजुमन से पूछो हुसैन पैगंबर का हू बहू है। जब नाना ने यह सबक दिया है कि बेटा हक के साथ खड़ा होने, तो मैंने अपनी जुबान चुसाई है, बेटा तूने मेरी बेटी जहरा का दूध पिया है, तू अली की गोद में खेला है, तूने हक का साथ देना, ऐसा कैसे हो सकता कि हुसैन यजीद के हाथ में हाथ दे देते। ये मेरे आपके लिए सबक है, ये महज नारे नहीं है, नारा लगाने से हुसैनियत नहीं मिलती, सीरतों किरदार दिखाना पड़ता है तब हुसैनियत आती है। जन्नत का बादशाह वो बना है, ऐसे नहीं बना, अल्लाह ने उसको मकाम दिया है, हुजूर की तरबियत है, हुसैन जन्नत का बादशाह है, हुसैन आले रसूल लिख ले, तो दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले, हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले, हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन दिसदा उमर दे नाले, हुसैन जालिम तो डर नहीं सकदा, वफा नु हक करके कबूल लिख ले, हुसैन आबिद हुसैन माजिद, हुसैन कारी है करबला दा, हुसैन ले तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नु तूल लिख ले, नबी दे सजदे नु तूल लिख ले, ये हुसैन है हुसैन जिसकी सीरत और किरदार अव्वल आखिर के सारे इंसानों के लिए रोशन मीनार है। मेरे दोस्तों खाली नाम लेना काफी नहीं है, असल है किरदार, अपने बच्चों की तरबियत, अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज में करें कि वो हक के साथ खड़े हों, वो बिक ना जाए, वो बातिल के सामने झुक ना जाए, वो महज चंद तकों की खातिर अपना जमीर ना बेच दे, महज मुसाफतों की खातिर अपना जमीर ना बेच दे, खुफिया मीटिंग्स के जरिए से अपना जमीर ना बेच दे, वो अपने हर मामले में अल्लाह को जवाब दे, अपनी जान के हवाले से, अपने अमल के हवाले से किसको जवाब दे, अल्लाह को जवाब दे। बिकने वाले तो यजीद होते हैं, माली बनकियत की खातिर अपने जमीन को बेचने वाले तो यजीद होते हैं। किसी ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है, उमर से चल उमर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है, अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, हो इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन है, वो है कैसे साबित करें,
बिक के साबित करेंगे, बातिल के सामने झुक के साबित करेंगे, माली बनफियत जमीर के सौदे करके हम साबित करेंगे, वो हक के साथ खड़े होकर साबित करेंगे। यजीद था, हुसैन है, अल्लाह समय नसीब फरमाए।